खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। तो आज है एक सनी डे इधर कोवेंट्री में, बड़ा आई एम हैप्पी कि आज मैं निकल रही थी और आज सनी डे है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अपने कंट्री में मौसम इंजॉय कर रहे होंगे और जो आने वाले हैं वो यहाँ पे करेंगे आके। तो आज मैं जा रही हूँ टाउन सेंटर बहुत दिनों बाद। वैसे आप लोगों को पता है कि मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही, लेकिन आ जाऊँगी टाउन सेंटर, एक दो जगह जाना है, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलते हैं बस स्टेशन की तरफ। अभी जा रही हूँ, बिल्कुल बस स्टेशन के साथ ही आई केयर है। मुझे कुछ पूछना है कि NHS के जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं, और इसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि जो इनका चेकअप है वो NHS कवर करता है या नहीं करता। सो अभी वहाँ जाती हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो चलते हैं। आई के गई थी लेकिन वो क्लोज था, पता नहीं क्यों क्लोज है, क्योंकि गूगल पे भी यही आ रहा है कि वो ओपन है और उसकी ओपन टाइमिंग्स चल रही हैं, लेकिन वहाँ ना तो कोई बंदा है और वो क्लोज पड़ा हुआ है। तो लेट्स सी, वापसी पर अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर देखूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। यहाँ पे बस क्रिसमस से रिलेटेड ये सब फूड कार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं और फूड प्लेसेस यहाँ पे ओपन हुई हुई हैं। ये पहले नहीं थी, ये क्रिसमस के टाइम पे इन्होंने ओपन किया है। स्केटिंग के लिए भी लगा हुआ है, बच्चे काफ़ी सारे वहाँ पे हैं। टाउन सेंटर में काफ़ी जो है वो अच्छा, और सनी डे की वजह से लोग काफ़ी बाहर निकले हुए हैं, अच्छा लग रहा था। बहुत ठंड भी थी लेकिन बुरी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। आज जहाँ मैं आपको लेके आई हूँ टाउन सेंटर में, वो है ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन, जहाँ पे लोग डोनेट करते हैं काफ़ी अपने जो भी फर्नीचर वगैरह जो भी उन्हें डोनेट करना होता है, और यहाँ पे आप परचेज़ भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। यहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें भी हैं और आपको न्यू भी आइटम्स मिलेंगे। मुझे तो काफ़ी जो है, एक बार मैं पहले आई थी लेकिन तब मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो आज आई हूँ। और आप लोग भी देखिए कि यहाँ पे क्या क्या है और उनकी प्राइसेस क्या हैं, और अगर आप अपना घर ले रहे हैं या घर में आप अपनी चीज़ें सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से ज़रूर परचेज़ कीजिए। रीज़नेबल प्राइसेस में हैं चीज़ें काफ़ी, आपको बस देख के लेनी पड़ेंगी, और मोस्टली चीज़ें यहाँ पे सोल्ड आउट हैं क्योंकि लोग ले जाते हैं और उस पर फिर वो ये लोग लिख के लगा देते हैं कि सोल्ड आउट। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं, आप इन्हें उसी टाइम ऑर्डर प्लेस करेंगे और ये जो है वो उसके ऊपर जाके एक चिट लगा देंगे, स्टिकर लगा देंगे कि ये सोल्ड आउट हो गया है। ये यहाँ पे सोफ़ास पड़े हुए काफ़ी अच्छे थे और इनकी कंडीशन भी बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, थे सेकंड हैंड ही लेकिन कंडीशन की काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे मैंने बस इन चीज़ों की वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी देखें। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था पर थोड़ा कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था, थोड़ा कलर चेंज होता तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल भी था काफ़ी ज़्यादा। और ये हर चीज़ की प्राइस उसके साथ लिखी हुई होगी। अब ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारी न्यू चीज़ें हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि यहाँ पर ओल्ड आइटम्स भी हैं और आपको न्यू आइटम्स भी मिलेंगे। ये वाला एक एरिया जो इनके ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है, ये वाले एरिया के अंदर सारी आपको चीज़ें जो हैं वो न्यू आइटम्स मिलेंगे, सब रैप हुआ हुआ है इसके ऊपर।
मैंने कुछ प्राइस कंफर्म करनी थी और मैंने प्राइस कंफर्म कर ली थी वहाँ पे कि एक और जगह पे मुझे कितनी प्राइस मिल रही है। उसके बाद मैं जो हूँ न्यू लुक की तरफ चली गई और वहाँ पे जाके मैंने कोट जैकेट्स वगैरह चीज़ें देखी, क्योंकि मैंने एक कोट लिया है सर्दियों का प्राइमार्क से। इसके अलावा मुझे पफर्स और कुछ स्वेटर्स वगैरह परचेज़ करनी थी। तो आज तो जो है वो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है कि मेरे जो जूता मैं पहन के आई थी वो काफ़ी मुझे तंग कर रहा था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें देखी तो अभी कुछ परचेज़ नहीं किया। इंशाल्लाह करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी भी। ये कुछ ज्वेलरी मैंने वहाँ पे देखी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। स्वेटर्स वगैरह हैं जो कि इंशाल्लाह मैं जल्दी परचेज़ भी करूँगी, तो आप लोग भी देखें इंजॉय करें। ये जो ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल जो है वो लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन ये वही बात है कि जो मैंने कोट लिया हुआ है एग्जैक्ट वैसा ही उसका मटेरियल था, तो बिल्कुल भी गर्म नहीं था तो मैंने ही लिया। उसके बाद H&M की तरफ गई, बाहर निकलते ही वो भी सामने ही था, तो क्योंकि मैं पहले इधर आई हूँ लेकिन तब जा नहीं सकी, तो आज थोड़ा थोड़ा फिर लिया। लेकिन बस यही था कि मेरे जूता बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो बस मैंने कहा कि मैं अब घर चलूँगी। ये जगह भी नहीं है, यहाँ पे स्केटिंग का ओपन है, टिकट्स लें और स्केटिंग के लिए जाएं। जाते जाते प्राइमार्क तो ज़रूरी होता है, तो प्राइमार्क गई और थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, लेकिन कुछ ऐसा न्यू नहीं था, तो बस फिर मैं घर की तरफ चल पड़ी। बस और टाउन सेंटर से हो आई हूँ, अब घर जा रही हूँ। आई केयर खुला हुआ था तो आई केयर पर विज़िट किया मैंने, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपका जो आई टेस्ट होता है और जो ग्लासेस होती हैं वो NHS कवर नहीं करता। अगर तब तक आपके पास कोई बेनिफिट्स क्लेम वाउचर ना हो या फिर आपका GP कुछ मतलब आपको प्रिस्क्राइब ना करके दे, डायबिटीज़ और 40 से ऊपर लोग जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं। तो ग्लासेस के लिए यही है कि अपनी ग्लासेस जो है वो साथ पेयर ले के आएँ, अगर आप आपके आई साइड वीक है तो, क्योंकि 25 pounds का आई साइड चेकअप है और जो भी ग्लासेस होंगी वो उससे ऊपर, तो इनको भी आई साइड का इशू है। अपने ग्लासेस के पेयर लेके आए, मैं दो लेके आई थी, एक उरहान ने तोड़ दिया, दूसरा यूज़ करी थी, फिर दो और मंगवाए कोई आ रहा था पाकिस्तान से तो उससे, तो गुजारा चल रहा है। तो आप लोग भी चलाइए जब आपको लगे कि आप साउंड हो गए और आप ले सकते हैं, तो फिर ज़रूर लीजिए। तो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये इस इन्फॉर्मेशन के साथ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।